हेलो नमस्ते दोस्तों, सरोज शर्मा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम कच्चे आलू और एक टमाटर का नाश्ता इतना स्वादिष्ट बनाना बताएंगे। अगर आप एक बार घर में बनाएंगे तो आप वो नाश्ता खाएंगे तो सभी नाश्तों का स्वाद भी भूल जाएंगे। और मैं यकीन से बोलती हूँ कि ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा और हेल्दी भी होगा। और बिना तेल का नाश्ता होगा, इसमें बहुत ही एक चम्मच तेल का यूज होगा, ज़्यादा तेल का भी यूज नहीं होगा इसमें नाश्ते में। तो ये मैंने देख सकते हैं, नाश्ता बनाने के लिए मैंने एक टमाटर और एक आलू लिए। तो आलू का हम सबसे पहले छिलका निकालेंगे और छिलका निकाल के आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे। तो इसका छिलका इस तरीके से हमें निकाल लेना है और इसको हमें कद्दूकस करना है। और ये नाश्ता आप घर में बनाएंगे कच्चे आलू का तो बहुत ही सभी को बहुत ही पसंद आएगा। आपके पास में रोज बनवा करके खाएंगे नाश्ता, क्योंकि इतना टेस्टी नाश्ता बनेगा, मैं यकीन से बोल रही हूँ। तो ये भी देख सकते हैं, मैंने कद्दूकस करके इसको 2 से 3 बार आलू को धो लिया है। और आलू को आप ज़्यादा बार धोएंगे तो आलू में बहुत ही अच्छी जो आलू होता है, आलू बिल्कुल कद्दूकस करने के बाद में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। और अगर आप उसको 2 से 3 बार धो लेंगे तो बिल्कुल जो कड़क टाइप का आलू हो जाता है, बहुत ही अच्छा आलू निकल के आता है। तो देख सकते हैं आलू हमारा इस तरीके का मैंने कद्दूकस कर लिया है। और ये मैंने लिया है 50 ग्राम के लगभग कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास में कॉर्नफ्लोर आटा नहीं है तो आप इसके बदले में सूजी का भी ऐड कर सकते हैं, सूजी डाल सकते हैं। और सूजी भी अगर नहीं है तो आप इसमें आटा भी डाल सकते हैं। ये मैंने मोटी वाली 1 चम्मच चिली, लाल फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स ली है। तीखा आपको जितना खाना पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने अजवाइन ली है और 1 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है। और ये मैंने नमक लिया है, तो नमक मिर्ची आपके स्वाद के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। तो मैंने सभी मसाले इसमें डाल दिए। अगर आपको और भी कुछ डालना है तो आप डाल सकते हैं। और इसको हमें हाथों की मदद से इस तरीके से मिक्स करते रहना है। और बैटर हमें थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है बैटर को। तो ये देख सकते हैं हाथों की मदद से इस तरीके से इसको मिक्स करते रहना है। तो मिक्स हो चुका है, तो पतला लग रहा है थोड़ा सा हमारा बैटर। तो इसमें हमें थोड़ा सा और भी कॉर्नफ्लोर डालना है, और भी हमें कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करना है। तो बैटर हमारा बनकर के तैयार हो चुका है। तो हमें इस टाइप का बैटर चाहिए, देख सकते हैं ये ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है हमारा जो बैटर है। तो इस तरीके का हमें बैटर चाहिए। तो मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसी टाइप का आलू का नाश्ता बनाने के लिए बैटर हमें चाहिए, तो इसको साइड में रखेंगे। और जो मैंने टमाटर लिए थे तो टमाटरों की हमें इसी तरीके से पीसेस में कट करना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल पतली पतली पीसेस टमाटर की हम कट कर लेते हैं। अगर आपको कम लग रहा है तो इसमें टमाटर और भी डाल सकते हैं। तो अब हमें नाश्ता बनाना स्टार्ट करना है। और टमाटर भी मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अगर आपको थोड़ा कम है तो आप टमाटर इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, और भी काट सकते हैं। और ये मैंने पैन लिया है, गैस मैंने ऑन कर दी। तो पैन को गर्म कर लेते हैं और इसमें हमें हल्का सा ऑयल को ग्रीस करना है चारों साइडों से। तो इस तरीके से हमारा ऑयल ग्रीस हो चुका है, देख सकते हैं। और अब हमें नाश्ते को डालना है। तो चमची की मदद से हम डालेंगे इस तरीके से। आपको जितना जैसे गोल, आपको चौकोर शेप में जो भी शेप अच्छी लगे उसी शेप में नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं। तो हम इस शेप में बनाएंगे, गोल शेप में बनाएंगे। और गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल कम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। और टमाटर को हमें इस तरीके से इस पर रखना है और एक साइड से थोड़ा ज़्यादा पकाना है, क्योंकि हमें दूसरी साइड से नहीं पकाना है। तो एक साइड से ही ज़्यादा पका लेंगे। तो इस तरीके से हमें बैटर को डालते रहना है और गोल टाइप का करते रहना है। और जो मैंने टमाटर की पीसेस कट की थी तो इस पे इस तरीके से हमें रखना है और थोड़ा सा दबाना है चमची की मदद से। तो हम सभी को इस तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे और सभी पे टमाटर की इस तरीके से पीसेस भी लगा देंगे। और इसको हमें थोड़ा सा हल्का सा दबा के और इसके अंदर चला थोड़ा सा मसाला के टमाटर अंदर चला जाएगा तो ये अच्छे से पक भी जाएगा। और हमें इसको ढक के पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर भी अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो ये देख सकते हैं मैंने सभी पे टमाटर की पीसेस इस तरीके से रख दिए। और टमाटर की पीस बिल्कुल पतली टाइप की काटनी है, आपको थोड़ा सा मोटा भी नहीं रखना है। तो
तो ये देख सकते हैं एक साइड से हमारा बिल्कुल क्रिस्पी सिख चुका है नाश्ता, ये साइडों से भी देख सकते हैं दिख रहा होगा कि आपको अच्छे से सिख चुका है ये नाश्ता। तो हमें दूसरी साइड को इसको सेकने की भी ज़रूरत नहीं है, हल्का सा ही सेकना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं सेकेंगे क्योंकि हमें थोड़ा क्रिस्पी नाश्ता बनाना है, तो एक साइड से ही हमें सेकना है, ज़्यादा नहीं सेकना है इसको। तो हम दूसरी साइड से इसको हल्का सा पलट देते हैं और इसको एक मिनट के लिए दूसरी साइड से भी हम सेक लेते हैं। तो इसको भी इस तरीके से पलट करके और एक मिनट के लिए सेक लेते हैं। तो एक मिनट हो चुकी है, तो नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो चुका है। तो ये देख सकते हैं एक मिनट हो चुकी है, मैंने थोड़ा सा हल्का सा दबा भी दिया है। तो अब इसको हमें चेक करना है कि हमारा दूसरी साइड से भी सिका है कि नहीं सिका है नाश्ता। इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं एक साइड से दूसरी साइड से भी जो हमारे टमाटर थे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, सिक चुके हैं टमाटर। और ये नाश्ता मैं यकीन से बोलती हूँ, अगर आप घर में बनाएंगे तो आपके सभी इस नाश्ते के फैन हो जाएंगे क्योंकि आपके पास में ये नाश्ता रोज बनवा करके खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ईजी भी नाश्ता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट भी हो चुके हैं और पक भी चुका है टमाटर। तो इसका जो नाश्ते का फ्लेवर है वह खाने का बहुत ही अलग आएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, और आप चटनी के साथ में खाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये नाश्ता। तो मैंने फिर से थोड़ा सा हल्का सा आधी चम्मच से भी कम तेल को तवे पे लगा लिया है और अब हम बिना टमाटर के नाश्ता बनाएंगे। अगर आपको जो भी ईजी लगे, जो भी ज़्यादा अच्छा लगे तो उसी तरीके से बना सकते हैं, बट आप टमाटर डाल के बनाएंगे तो ज़्यादा हेल्दी भी रहेगा और ज़्यादा खाने में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको हम इस तरीके से सिंपल तरीके से ही बनाएंगे। तो हम दो टाइप का बना रहे हैं, एक सिंपल और एक टमाटर का। तो आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी ज़्यादा सबसे बेस्ट लगे उसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो इसको भी हमें इसी तरीके से डाल लेना है और इसको सिकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसको सिर्फ 3 मिनट लगती है एक साइड से सिकने में। और गैस का फ्लेम आप ज़्यादा नहीं रखेंगे, कम रखेंगे तो और भी ज़्यादा ये नाश्ता क्रिस्पी बनेगा। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको 2 मिनट तो हो चुके हैं सेकते हुए, और थोड़ा सा ढक के सेकना है, 1 मिनट के लिए इसको ढक के सेकना है। ढक के सेकने से ज़्यादा अच्छा सिकता है नाश्ता। और अब इसको हमें पलटना भी है, दूसरी साइड से भी सेकना है। तो ये दूसरी साइड से भी देख सकते हैं अच्छे से सिक चुका है नाश्ता। तो ये हमारा आलू का नाश्ता बनकर के तैयार हो चुका है और सभी को हम इस तरीके से सेक लेंगे। तो देख सकते हैं कितना क्रिस्पी सिका है ये नाश्ता, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और जो मैंने पहले वाला सेका था तो वो पहले एक हिस्से से ज़्यादा सेका था। और हम सर्व भी कर लेते हैं। तो ये मैंने टमेटो केचप लिया, आप किसी भी चटनी के साथ में इसको खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारा टमाटर का नाश्ता है और ये हमारा बिल्कुल सिंपल आलू का नाश्ता है। तो आपको जो भी इजी लगे, जो भी ज़्यादा टेस्टी लगे, आप उसी तरीके से इसको बना करके खा सकते हैं। तो नाश्ता हमारा बिल्कुल इजी तरीके से आलू का बन करके तैयार हो चुका है। तो इसको हम थोड़ा तोड़ के दिखाएंगे, थोड़ा गर्म है तो ये अंदर से इसकी जो सिकाई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हुई है, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, मैं यकीन से बोल रही हूँ दोस्तों, अगर आप घर में इसको ट्राई करेंगे तो। और मेरी जो भी रेसिपीज़ होती हैं दोस्तों बिल्कुल एक इजी और सिंपल होती हैं, घर में उसको बनाने में कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती। और प्लीज़ जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।